नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं ओके क्रेडिट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज हम एक और बिजनेस आइडिया आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो कि गर्मियों के हिसाब से बहुत अच्छा है। गर्मियों क्या, मैं तो बोलूंगी कि ये 12 महीने चलने वाला बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस जुड़ा है आपके होम अप्लायंस से, जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, चाहे वो गीज़र है, चाहे वो फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, तमाम चीज़ों से जुड़ा हुआ है कि गुड ये जो हमारे घर में चीज़ें होती हैं, इनकी रिपेयर और इनको सेल कैसे किया जा सकता है, इस बिज़नेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, तो इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर का बटन ज़रूर दबाइए, बेल आइकन का बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप किसी भी तरह का कोई भी सवाल बिज़नेस से जुड़ा हुआ ज़रूर लिखिए, ताकि अगला वीडियो आपके लिए हम यहाँ पर अपलोड करें। तो बात करेंगे कि हम होम अप्लायंस सर्विस एंड सेल्स की, कि उसकी सर्विसिंग और सेल हम कैसे कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि हमारे घर में जब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं तो कोशिश हमारी ये होती है कि भाई इसको पहले रिपेयर कर लें, लेकिन क्या होता है कि जब आप रिपेयर कर लें तो वो उतने दिन तक नहीं चल पाती। तो दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप उस चीज़ को, ख़राब पड़ी हुई चीज़ को बेच दें और उसके रिप्लेसमेंट में नई चीज़ ले लें। ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा स्कीम्स चलती हैं, तो ये एक मतलब हो सकता है होम अप्लायंस रिपेयर एंड सेल्स का बिजनेस। एक साथ दो काम आप कर सकते हैं। कैसे करना है, किस तरह की जगह का चयन करना है, कितनी लागत लगेगी, कितना मुनाफा होगा, तमाम बारीकियाँ इस वीडियो के जरिए। यदि आप होम अप्लायंसेस ठीक करना जानते हैं तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। ये बिजनेस बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इसके लिए ज्यादा जगह की भी जरूरत नहीं होती है। इस काम को आप अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। होम अप्लायंसेस सर्विस एंड सेल्स बिजनेस क्या है? होम अप्लायंस सर्विस एंड सेल्स बिजनेस में होम अप्लायंस की सर्विस की जाती है, उन्हें ठीक किया जाता है और सेकेंड हैंड होम अप्लायंस को ठीक करने उन्हें बेच भी दिया जाता है। अब शुरुआत में आप इस काम को शुरू करते हैं तो आप होम अप्लायंस को ठीक करने की सर्विस देकर इस काम को शुरू कर सकते हैं। जब धीरे धीरे आपका काम बढ़ने लगे तो आप सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं। इस काम की शुरुआत कैसे करें? इस काम की शुरुआत आप होम अप्लायंस को ठीक करने की सर्विस लेकर कर सकते हैं। इसमें आपको केवल उपकरणों को ठीक करने का पैसा मिलता है। इसके लिए आपको साधारण टूल किट की जरूरत होती है। इसके अलावा आपको कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। रिपेयरिंग का काम सीखें। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस तरह का व्यवसाय आप बिना किसी जानकारी के किसी टेक्नीशियन इत्यादि की नियुक्ति करके शुरू कर सकते हैं, पर बेहतर यही है कि आप रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने से पहले रिपेयरिंग का काम सीख लें और इसके लिए उसे किसी अच्छे संस्थान से इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। आजकल सरकारी एवं गैर सरकारी सेंटर हैं जो इस विषय पर लघु अवधि के प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। ये कुछ हफ्ते से लेकर 3 से 6 महीने के कोर्स में हो जाता है। एक उपकरण मरम्मत व्यवसाय शुरू करने के लिए कदम। स्टेप 1, व्यवसाय योजना बनाना। व्यवसाय का विचार आने के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने में अगला कदम एक व्यवसाय योजना लिखना होना चाहिए। यह व्यवसाय को शुरू करने में काफी मददगार साबित होगा। स्टेप 2, व्यवसाय को नाम दें। सही व्यवसायिक नाम ढूंढना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नाम न केवल आपके बिजनेस को पहचान देता है बल्कि औरों से आपको अलग भी बनाता है। स्टेप 3, अपना स्थान चुनें। कुछ अप्लायंस रिपेयर बिजनेस मालिक के गैरेज में शुरू होते हैं और यहाँ तक कि पिकअप सेवा भी दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका खर्चा कम हो जाता है। इस काम की शुरुआत में आप कितना कमा सकते हैं? होम अप्लायंस सर्विस एंड सेल्स बिजनेस के द्वारा आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस में जब आपको उपकरण ठीक करने के लिए बुलाया जाता है तो आप हर बजट के हिसाब से 100 से 200 रुपए से ज्यादा खर्च कर सकते हैं। जैसे छोटे काम करवाने के लिए कम चार्ज कर सकते हैं तथा बड़े उपकरणों के लिए आप थोड़ा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। यदि आप हर विजिट के 100 भी चार्ज करते हैं और दिन की 5 विजिट भी करें तो आप 5 मिनट के हिसाब से रोज 500 कमा सकते हैं। इसके अलावा होम अप्लायंस ठीक करने में जो स्पेयर पार्ट्स लगते हैं उनसे आप अतिरिक्त कमाई कर सकते हैं। सर्विस सेंटर खोलकर कर सकते हैं कमाई। जब धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे और आपका काम बढ़ने लगे तो आप किसी अच्छी लोकेशन पर जगह देकर एक होम अप्लायंस सेंटर खोल सकते हैं, जहां लोग सीधे आप ही के पास होम अप्लायंस ठीक कराने के लिए आ सकते हैं। लाइसेंस एंड पंजीकरण। कुछ राज्यों में अपना व्यवसाय खोलने से पहले राज्य से एक छोटे उपकरण इलेक्ट्रॉनिक्स मरम्मत लाइसेंस की आवश्यकता होती है। रिपेयर के लिए भी कुछ चीजों में नियम हैं, जिनमें रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर शामिल हैं। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को स्वच्छ वायु अधिनियम के तहत टेक्नीशियन से टाइप 1 प्रमाणन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कुछ सामान्य स्थानीय राज्य और व्यापार पंजीकरण है, जैसे सेल्स टैक्स परमिट, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर और ऑक्यूपेंसी परमिट।
तो चलिए ये था आज का हमारा वीडियो, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई आपके पास सवाल है तो जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और अपना ख्याल रखिएगा। ओके क्रेडिट, आपके बिजनेस का सच्चा साथी।